यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का हाल काफी बुरा है और इसकी जो हालत है वो खस्ता बताई गई है। यहाँ डॉक्टरों की कमी होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में दवाई भी उपलब्ध नहीं है, ये भी आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते मरीजों को दवाई लेने अलग से मेडिकल स्टोर्स पर जाना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि बाहर दवाइयों की कीमत मनमाने ढंग से वसूली जा रही है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि जल्द ही अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी समस्या है उसे खत्म कर दिया जाएगा। सस्ते वाले अंदर से मिल रही है, कुछ बाहर से मिल रही है, महंगे वाले अंदर, महंगे वाले से बाहर मिल रही है। हाँ जी, बाहर से मिल रही है। कितने टाइम से आप दवाई ले रहे हैं? हम 2 साल से ले रहे हैं जी। अच्छा। कुछ आराम नहीं आ रहा जी। बाहर से? हाँ, बाहर से ले रहे थे भाई पहले, अब यहाँ से ले रहे हैं। क्या कहेंगे, करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बना, फिर भी तो आइए बाहर, फिर भी बाहर से मिल रही है जी। डॉक्टरों की भी कई कमी है यहाँ पर? कुछ कमी तो है, डॉक्टरों की बैठना पड़ता है, कहना नहीं मानते जी। मैं जल्दी ही उसका सारा मुआयना करूंगा और जो कमियां उसको दूर करेंगे। पहले भी आपके समय में डाला गया था कि कमीशन खोरी का काम चलता है, उसको दूर करेंगे और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बख्शेंगे नहीं।